नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। लास्ट में हमने फ्लावर के बारे में बात की थी। फ्लावर के अंदर जो पू केसर, स्त्री केसर, परागनयन, ये सब यानी स्टेमेंस, पिस्टिल, सेपल्स एंड पेटल्स, इसकी हमने एक्टिविटी की थी। हमने फ्लावर को ब्लेड से कट करके उसके पेटल्स एंड सेपल्स जो होते हैं, ऊपर के जो भाग होते हैं उसके, वो हमने प्रोमिनेंट पार्ट्स जो है वो हमने हटा के फिर हमने उसमें क्या देखा था, स्टेमेंस एंड पिस्टिल देखी थी। नाउ देयर इज अ एक्टिविटी 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी यानी अंडाशय, जो पिस्टिल में, पुष्प योनि में जो अंडाशय होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। सो वो पिस्टिल का सबसे नीचे वाला भाग है। We will cut this part to study what is inside. So हम जो उसके lower part जो है यानी ovary को study करने के लिए हम pistil को cut करेंगे और उसके अंदर का जो हम part है वो हम study करेंगे। Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. So आपको 7.25 figure में देखना है के फ्लावर को आपको किस तरह से कट करना है ताकि आपको अंदर के पार्ट्स उसके दिखेंगे। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 62 देयर इज अ फिगर 7.25 ए एंड बी। सो ए में क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल कट है एंड बी में ट्रांसवर्स कट है, यानी ए में लॉन्जिट्यूडिनल है एंड बी में ट्रांसवर्स यानी आडा, ओके, वैसा वाला कट है ताकि हमें पता चले कि दोनों में अंदर का जो पार्ट है वो हमें देखना है, ओवरीज, हमें ओवरीज के अंदर देखना है, ओके। कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। सो आपको क्या करना है कि जो ओवरीज का पार्ट आपको कट करना है ब्लेड से, जैसा फिगर में आपको दिखाया गया है, एक जो है वो उसे लॉन्जिट्यूडिनल कट करना है एंड दूसरे में ट्रांसवर्स कट करना है। सो एंड उसको आपको ड्राई नहीं होने देना है, उस पर एक पानी का एक बूंद रखना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। सो इसे आप अंडरलाइन कर देना, ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। सो आपको कट करना है और आपको उसके अंदर स्मॉल बीड के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा ओवरीज के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स, यानी वो क्या होता है, बीजाणु होता है। ओव्यूल्स मतलब बीजाणु। सो आपको ओवरीज के अंदर, अंडाशय के अंदर ऐसे बीजाणु दिखेंगे, यानी उसे ओव्यूल्स कहते हैं। सी फिगर 7.26 इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। सो फर्स्ट में जो हमने लॉन्जिट्यूडिनल कट किया था उसमें हमें ऐसा दिखेगा एंड दूसरे में ट्रांसफर कट जिसमें हमने किया था उसमें हमें ऊपर से दिखेगा। सो देट आर ओव्यूल्स, दोज आर ओव्यूल्स, ये हमें लॉन्जिट्यूडिनल कट का एंड ये ट्रांसवर्स कट का। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आपको गार्डन में से थोड़े फ्लावर आपको प्लक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही, बाकी फूलों को आपको डैमेज नहीं करना। आपको एक या दो फ्लावर आपको लेने हैं और उसे ऑब्जर्व करना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स? आर दिस फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज? आर दिस फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? सो आपको सभी फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है, अगर हो सके तो गार्डनर से, माली से आप पूछ लेना कि ये सभी फ्लावर्स के नाम आप पूछ सकते हो गार्डनर से, एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि सभी पार्ट्स में सेपल, पेटल्स, ये सभी पार्ट्स होते हैं सभी फ्लावर्स में, या फिर कितने नंबर होते हैं कि सेपल्स कितने हैं एंड पेटल्स कितने हैं, सभी में क्या, सभी में एक ही सेम ही नंबर के सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? सो आपको ऑब्जर्व करना है कि
कोई कोई जो फ्लावर्स है उसमें स्टेमन्स ज्यादा हो गए सेपल से, कोई पार्ट्स में पेटल्स ज्यादा हो गए सेपल से. सो आपको ये ऑब्जर्व करना है. डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स में ऑल्सो बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट समटाइम्स. सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ फ्लावर्स में ये पार्ट होते भी नहीं है, कई में एब्सेंट होते हैं और कई में ज्यादा नंबर में होते हैं सेपल्स और पेटल्स. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस. सो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो फीचर्स एंड फंक्शन होते हैं लीव के, उसके बारे में, स्टेम के बारे में, रूट्स का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किया. एंड डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया एंड फ्लावर के इनर मोस्ट पार्ट के बारे में भी हमने स्टडी किया.